आज मैं लाई हूँ एक और पॉट पेंटिंग। तो ये मैंने पॉट मेरे पास पहले से पड़ा था, तो सबसे पहले मैं इसे वाइट कलर से पेंट कर दे रही हूँ जिससे कि मुझे अच्छा सा बेस मिल जाए। तो वाइट कलर से पेंट हो चुका है। अब मैं इसके नीचे बॉर्डर पे लाइट पीच कलर से पेंट कर रही हूँ। एकदम फ्री हैंड पेंटिंग कर रही हूँ, मुझे जो भी समझ में आ रहा है उस टाइप से मैं पेंट कर रही हूँ। कुछ भी हार्ड डिज़ाइन नहीं चूज किया है, एकदम सिंपल सा रखा है। तो बेसिकली मुझे इस पॉट को पेंट करने के लिए ना वाइब्रेंट कलर चाहिए थे, तो मैंने उसी वही सोच करके पेंट किया है। और जैसे ही पीच कलर हो गया वैसे ही मैंने लाइट पिंक कलर का उसके ऊपर एक लेयर बनाया है कुछ इस तरीके से। और इसे भी अच्छी तरीके से करने के बाद अब मैं स्काई ब्लू कलर से दूसरा सेट चलाऊँगी। कुछ इस तरीके से मैंने थर्ड लेयर भी चालू कर दिया है। और जैसे जैसे मतलब ऊपर जा रही, तो अब मैं पर्पल कलर का एक सेट पकड़ी हूँ और पर्पल से उसको ऊपर कवर किया है। फिर उसके बाद रॉयल ब्लू कलर से पेंट किया है। तो इस तरीके से पूरा पॉट पेंट होने के बाद अब मैं इसकी के ऊपर जो भी साम इसके जो कान हैं उसके तरफ भी मैंने पूरे पर ब्लू से ही कवर कर दिया है। और इसको कवर करने के बाद इसको आउटलाइन में येलो से दे रही हूँ जिससे कि ये थोड़ा उभर के आए। आप चाहे तो कोई भी कलर यूज कर सकते, मुझे यहाँ येलो ज़्यादा सूट किया तो येलो लगाई। फिर और इसके नीचे और साइड में इस तरीके से वाइट कलर से मैंने पेंट किया है। एकदम इजी पेंटिंग रखा है, कुछ भी टफ इसमें नहीं रखा है। मतलब जो मेरे दिमाग में आ रहा वैसा मैं कर रही हूँ। और उसके बाद मैं इस तरीके से डॉट पेंट कर रही हूँ ब्रश से। और फिर उसके बाद कुछ भी फ्री हैंड पेंटिंग करे जो मुझे समझ में आ रहा है मैंने यहाँ पे झुमके बना रही हूँ। तो झुमके भी मैंने एकदम सिंपल सा रखा है, एकदम सिंपल सा डिज़ाइन रखा है। और झुमके के ऊपर मैंने वार्ली पेंटिंग बनाई है। तो इस तरीके से मैंने सारे झुमके बना दिए हैं। और सारे झुमके बनाने के बाद ये नीचे के जो लेयर है ना इसमें मैं पिंक कलर का से लेयर लहरिया टाइप का बना रही हूँ। और इसमें लीफ वगैरह बना रही हूँ जो मुझे मतलब उस टाइम जो कलर समझ में आया। पहले तो मुझे लगा ये पिंक यहाँ पे सूट नहीं करेगा, फिर बाद में देख के अच्छा ही लग रहा है, मतलब उतना बुरा भी नहीं लग रहा। और ये कंप्लीट हो गया है। अब बारी है इसे प्रोटेक्ट करने की, तो मैं यहाँ वार्निश यूज कर रही हूँ जिससे कि इसका कलर ख़राब ना हो और येलो ना पड़े। तो ये हो गया और ये है हमारा फाइनल लुक। अगर ये आपको बहुत पेंटिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।